बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप फाइबर पे अच्छा वैल्यू अर्निंग कर सकते हैं। इससे मैं आपको एक पेमेंट प्रूफ दिखाता हूँ कि ये स्ट्रेटजी यूज़ करके मैंने एक दिन में 450 डॉलर से ऊपर अर्निंग की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने ऑर्डर पेज पर जाता हूँ और ये देख सकते हैं, ये मेरा कम्प्लीटेड ऑर्डर है। यहाँ पर कम्प्लीटेड ऑर्डर शो होंगे और ये देखिए April 9 को मैंने क्या किया, डिलीवर किया और इससे मैंने 450 डॉलर कमाए। और कैसे कमाए ये देखें, ये मेरी गिग है जिस गिग से मैंने कमाए, बिल्ड या कस्टम AI चार्ट। अब मैं इस गिग को आपके सामने शो करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस पर मैंने कैसे काम किया और कैसे यहाँ से मैंने रेवेन्यू जनरेट किया। और भी ये देख सकते हैं मेरे पास ये आ गई मेरी केक। इस तरह मैं आपको एक प्रोफेशनल केक बनाना सीखूंगा। ये देखें, इस गिग पे मैंने बिल्ड अ कस्टम AI चार्ट बोट एंड चार्ट, इस पर आपको अभी सब कुछ फ्री में मिलेगा और आप खुद एक प्रोफेशनल सा चार्ट बोट बना सकते हैं। वो चार्ट बोट आपने कैसे बनाना है ये सब चीज़ें मैं आपको कम्प्लीटली सिखाऊँगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है फाइबर पे आपने गिग बनानी है। इसके लिए यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्रिएट अ न्यू गिग पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं अपना टाइटल दूँगा, मेरे पास एक ऑलरेडी ओपन है, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, ये गिग लगाना चाहता हूँ अपनी प्रोफाइल पे, क्योंकि इस तरह भी ये देखें इसके 4 ऑर्डर आ चुके हैं और लास्ट डिलीवरी है इसकी तकरीबन 3 डेज अगो, ये देखें 6 डेज अगो। और इस तरह की आप गिग प्रोफेशनल बनाकर अच्छी वैल्यू अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके टाइटल को कॉपी करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कैटेगरी आपने प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करनी है अगर आपने चार्ट बनाया, तो यहाँ से आपने AI एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना। और उसके बाद यहाँ पर फिर मैं जाऊँगा, यहाँ पर देखते हैं AI इंजन कौन सा यूज़ करेंगे। AI इंजन हम यूज़ करेंगे ChatGPT, डिलीवरी टाइप हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेबसाइट डिलीवर करेंगे। डेटा टाइप हमारा होगा टेक्स्ट, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पाइथन यूज करेंगे, TensorFlow यूज करेंगे और TypeScript यूज करेंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपकी किक पर इम्प्रेशन भी आएंगे, आपको ऑर्डर भी मिलेंगे। और वो क्या है, आपने टैग्स लगाने हैं हमेशा, टैग्स जितने भी आप रेलिवेंट टैग्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर मिलते जाएंगे। इसके लिए मैं जाता हूँ, यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा और यहाँ पर डिफरेंट टैग मिले, अब ये देख सकते हैं वेबसाइट चार्टबोर्ड। अब ये मैंने आज ही आईडी बनाई है, आपको मैंने इसकी डेट भी दिखा सकता हूँ। ये न्यू अकाउंट बनाया है मैंने फाइबर का वर्डप्रेस, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा तो ChatGPT को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर 2 टैग और हैं, पिक्स, उसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा Shopify। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा Shopify एक्सपर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं करूँगा सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पर अपनी प्राइस सेट करनी है, बेसिक रेट सेट करना है, स्टैंडर्ड करना है और एडवांस करना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ क्या करता हूँ, एक कैटेगरी चूज करता हूँ प्राइसिंग, और यहाँ पर नाम दे देता हूँ सिल्वर। और यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर करूँगा डिप्लॉय ChatGPT ऑन योर वेबसाइट विद नाइस यूजर इंटरफेस। ओके, ये देख सकते हैं, तो मैं डिलीवरी टाइप है, यहाँ पर आप जितना कम टाइम देंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिवीजन में इसको दे दूँगा मैं अनलिमिटेड रिवीजन का मकसद ये है कि इससे आपको अच्छे भले ऑर्डर मिलने के चांसेस। और यहाँ पर मैं अपना रेट सेलेक्ट कर देता हूँ,
मैं रेट सेट करता हूँ $30। $30 सेट करने का मकसद ये है कि इससे मुझे क्लाइंट भी ज़्यादा मिलेंगे, इंप्रेशन मिलेंगे और ऑर्डर मिलेगा। तो यहाँ पर ये करने के बाद मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। यहाँ पर सॉरी एक और चीज़ ऐड करनी थी, वो ये थी कि AI मॉडल टू ऐप, इसको इंटीग्रेट करना था। और उसके बाद हम क्या देंगे, सोर्स कोड भी देंगे। अब सेव करने के बाद नेक्स्ट आएंगे डिस्क्रिप्शन पे। अब डिस्क्रिप्शन हमने कहाँ से लिया, अब ये देखिए डिस्क्रिप्शन लेने के पास ये आपके पास दो हो गए। एक ये है कि आप यहाँ पर सिंपली इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर सकते हैं, और दूसरा भी है चार्ट GPT। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर न्यू चार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपना टाइटल पेस्ट करके वाइट और डिस्क्रिप्शन फॉर 5 GB फॉर द फॉलोइंग टॉपिक। ओके, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पर आगे पेस्ट कर दिया। राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर फाइबर की फॉर द फॉलोइंग टॉपिक, क्रिएट चैट GPT चैट बॉट फॉर बिजनेस वेबसाइट। अब ये देखें चैट GPT मेरे लिए क्या करेगा, एक प्रोफेशनल सी डिस्क्रिप्शन जनरेट करेगा। अब ये देख सकते हैं, वेलकम टू माई फाइबर की, क्रिएटिंग अ चैट GPT चैट बॉट फॉर योर बिजनेस, हैविंग अ चैट बॉट। अब ये एक प्रोफेशनल सी डिस्क्रिप्शन जनरेट करेगा। अब जब ये इसकी रिस्पॉन्स का कम्प्लीट हो तो मैं क्या करता हूँ, इसको को यहाँ से कॉपी करूँगा और अपनी गिग में पेस्ट करूँगा। यहाँ पर मेरा में भी इंटरनेट स्लो है, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करके रीजनरेट रिस्पॉन्स करता हूँ, या सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करके एक दफ़ा रिफ्रेश करके उसको भी बता सकते हैं। अब ये देखें एक प्रोफेशनल सी डिस्क्रिप्शन लिखेगा, ये देख सकते हैं कस्टमर टू बी इज एबल टू हैंडल अ वाइट इंटर। ये देख सकते हैं प्रोफेशनल से डिस्क्रिप्शन लिख ली इसने, ये देख सकते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, जाता हूँ वापस अपने इसमें, यहाँ पर ये देखें तो मेरे पास प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन आ गई इसकी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं हाई क्वालिटी। और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर हो रहे हैं देखता हूँ, ये देख सकते हैं वाई सर्विसेज में ChatGPT कंटेंट क्रिएशन चैटबॉट, ये इस तरह की सर्विसेज दे रहा था। बॉट्स एंड चैटबॉट दैट विल हैव योर रिक्वायरमेंट्स आई विल ग्रांटेड यू एसएस। ओके, यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वहाँ पर करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। टर्म्स वेबसाइट ChatGPT, और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं ChatGPT, यहाँ पर कर देते हैं इसको सेव एंड कंटिन्यू। अब ये देखें आप इसको क्या करेंगे, ये देखें अभी सेव हो गया, यहाँ पर इसका टर्म्स वेबसाइट इसको सेव करते हैं एक दफ़ा फिर। ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है हमारी जो बिजनेस वेबसाइट है, एक्सेसिव यूज ऑफ टर्म वेबसाइट। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं साइट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेबसाइट यूज हुई है, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ साइट कर देता हूँ। उसके बाद अब सेव करके देखते हैं इसको, अब ये देखें चेंजेस सेव हो गए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन था वो मैंने ऐड करना है। जब ये लिखा है कि विल क्रिएट अ कस्टम बॉक्स एंड चार्ट, ऐड कर देते हैं और यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दूँगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो जहाँ पर मैंने इमेज लगाने, अब इमेज आप कहाँ से लेंगे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है। इसके लिए आपने क्या करना है, एक स्पेसिफिक थिंग आपको बता देता हूँ कि वो आपने क्या करनी है। अब यहाँ पर मैं फाइबर गिग है,
यहाँ पर मैं एक सिंपल सा फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, चार्ट जीपीटी फॉर योर बिजनेस वेबसाइट। ये देखिए जो मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने कंट्रोल शिफ्ट टेन क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ऊपर किया। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक प्रोफेशनल सी बना देता हूँ, हमने प्रोफेशनल सी हमने बना देता हूँ, सॉरी पिक्चर्स मैंने बता रहा था कि पिक्चर्स आपने पास। अब ये देखें सिर्फ एक पिक्चर है, इसको ओपन करते हैं ऐसे। उसके बाद यहाँ पर आपने जाना है स्निप, ये देख सकते हैं ये मेरा स्निपिंग टूल आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ स्निप एंड स्केच, यहाँ से न्यू के बटन पे क्लिक करूँगा और सबसे पहले इसको रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर जाऊँगा मैं, क्लिक करूँगा न्यू पे, और यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली इस तरह ड्रैग कर देना इस पिक्चर। ओके, हमारे पास ये देखिए ये पिक्चर आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल एस करता हूँ और सेव कर। इसको सेव किधर करना है, जो मैंने अभी आपका फोल्डर बनाया था आपके सामने, ये देखिए इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। वापस जाता हूँ अपने प्रोफाइल, यहाँ पर क्या करूँगा, ये ब्राउज के बटन पे क्लिक करूँगा फाइबर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये एक पिक्चर लगा दूँगा, ये ओपन कर ली। अब ये देखिए मेरे पास प्राइमरी पिक्चर आ गई है, मैंने दूसरी लगानी है तो मेरे पास ऑलरेडी एक ही लगा दी। दो तीन चीज़ें लगाने के बाद हमारी क्या होगी, जब ये अपलोड कंप्लीट हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ब्रोज वीडियो, कोई वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं जो आपने सबसे अच्छा वर्क किया उसकी। अब ये देखेंगे कंप्लीट हो गया, अब क्या करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर करूँगा पब्लिश गिग। अब ये देखें मेरे पास हमारी गिग पब्लिश हो गई। डन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अब ये देखें मेरे पास थ्री थी, अभी ये देखें क्रिएट चार्ट जीपीटी चार्ट बोर्ड फॉर योर बिजनेस वेबसाइट। अब इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमारी गिग कैसे बनी। अब ये देखें हमारे पास एक प्रोफेशनल सी बन गई है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल गिग बना सकते हैं अपने फाइबर प्रोफाइल पर। इसको आप, इस पर आपको सबसे ज़्यादा आर्डर मिलेंगे। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी अपनाई तो आपको इंप्रेशन भी मिलेंगे, आर्डर भी मिलेंगे। अगर आपको ना मिले तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट भी गाइड कर दूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली बेस पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।